गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं शुगर बीट। शुगर बीट, फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर बीट एक ऐसी क्रॉप है जिसे हमें क्या मिलती है, शुगर। इट मींस इट इज ए शुगर क्रॉप, हम इसे शुगर क्रॉप भी कह सकते हैं। आज दिन तक हमें, या फिर हो सकता है किसी लोगों को पता नहीं हो कि शुगर केन से ही शुगर बनती है, शुगर केन के अलावा शुगर बीट से भी हम शुगर बनाते हैं। और वर्ल्ड की बात करें तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेरेटिवली शुगर केन के, क्योंकि वर्ल्ड में इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा शुगर बनती है वो किससे बनती है, शुगर बीट से बनती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे शुगर बीट, हिंदी में इसको चुकंदर कहते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कि शुगर बीट एक ऐसा प्लांट है कि जो मोस्ट इफिशियंटली जो सोलर एनर्जी जो होती है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सभी, आई थिंक जितनी भी क्रॉप है सभी ऐसा करती है, बट ये जो है यहाँ पे केमिकल एनर्जी कह सकते हैं हम इसको, स्टोर्ड फूड कह सकते हैं हम। तो ये एक ऐसी क्रॉप है जो, वैसे सभी क्रॉप ऐसा करती है बट ये इस चीज़ को या इस प्रोसेस को बहुत इफिशेंटली ऐसा करती है, तो उससे सोलर एनर्जी स्टोर्ड फूड में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरिजिन प्लेस। शुगर बीट का ओरिजिन प्लेस की हम बात करें तो क्या है, मेडिटेरेनियन रीजन। क्या है, मेडिटेरेनियन रीजन, ये इसका ओरिजिन प्लेस है। इसके बाद हम बात करें इसके बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की, तो इसकी अगर जब बॉटनी डिस्कस करते हैं तो शुगर बीट इज ए बाइनियल प्लांट। बाइनियल मींस क्या होता है, जो एक सीजन के अंदर अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट करे, दूसरे सीजन के अंदर अपनी रिप्रोडक्टिविटी स्टेज जो है वो स्टार्ट करे। इट मींस इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट टू सीजन की रिक्वायरमेंट हो, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, बाइनियल प्लांट। शुगर बीट इज ए बाइनियल क्रॉप या बाइनियल प्लांट्स। शुगर बीट प्रोड्यूस ट्यूबरस रूट, जो इसमें टैप रूट सिस्टम होता है, जो टैप रूट जो होती है शुगर बीट की, वो टैप रूट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, टैप रूट जो होती है वो ट्यूबरस रूट को सिंथेसिस को प्रमोट करती है। और ये ट्यूबरस रूट जो है वो शुगर जो होती है वो इन्हीं ट्यूबर्स रूट में पाई जाती है। तो जो टैप रूट सिस्टम होता है, जो टैप रूट क्या करती है, ट्यूबर्स रूट को प्रमोट करती है, उसके सिंथेसिस को प्रमोट करती है, और ये जो ट्यूबर्स रूट है वो अपने अंदर शुगर को एक्युमुलेट करती है, या शुगर को सिंथेसाइज करती है, या फिर शुगर को इसमें शुगर अपने अंदर उसको एक्युमुलेट कर लेती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। हम बात करें क्लाइमेट की, शुगर बीट में हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट की, तो इसके लिए कौन सा क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए। शुगर बीट के लिए कौन सी क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेट क्लाइमेट। इट मींस इसके लिए जो हमें टेम्परेचर कम चाहिए और लॉन्ग नाइट चाहिए, और ह्यूमिडिटी भी अगर हम देखें तो कम होगा तब भी काम चल जाएगा, बट कोल्ड सीजन होना चाहिए, मतलब ठंड होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो ऑलमोस्ट 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए फॉर जर्मिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी ग्रोथ की, तो ग्रोथ के लिए जो एवरेज टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 टू 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ, ऑप्टिमम वेजिटेटिव ग्रोथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल की, तो सॉइल इसके लिए जो सॉइल चाहिए वो कौन सी सॉइल चाहिए, ऑलमोस्ट सैंडी और
सैंडी लोम, सैंडी और सैंडी लोम सोइल इसके लिए चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है सॉइल रिक्वायरमेंट के अंदर, कि ये जो प्लांट है शुगर बीट वो सेलाइन सॉइल के अंदर भी इजीली ग्रो हो जाता है। सेलाइन सॉइल के अंदर इजीली हम शुगर बीट को ग्रो कर सकते हैं। अब ऐसा क्या है भाई, हम देखते हैं कि साल्ट अफेक्टेड अगर सॉइल होगी तो उनका हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स के अंदर बहुत सारे प्लांट ग्रो नहीं हो पाते हैं। अब ऐसा क्या है कि ये शुगर बीट उसके अंदर ग्रो हो रहा है, या ऐसा क्या है कि बार्ले उसके अंदर ग्रो हो रहा है? तो इसके अंदर देखिए क्या होता है, हम समझते हैं कि ये सेलाइन सॉइल के अंदर क्यों ग्रो हो जाता है। फर्स्ट हम एक चीज देखते हैं, साल्ट अफेक्टेड सॉइल। साल्ट अफेक्टेड सॉइल के अंदर कोई भी प्लांट क्यों ग्रो नहीं होता, देखो क्या कंडीशंस होती है वहां पे। दो ऐसी कंडीशंस होती है इसकी वजह से साल्ट अफेक्टेड सॉइल के अंदर कोई भी प्लांट ग्रो नहीं होता है। अब वो क्या कंडीशंस होती है, हम बात कर रहे हैं कोई भी एक प्लांट है, वीट की बात कर रहे हैं, या फिर किसी और दूसरे किसी प्लांट को आप ले सकते हो उसकी बात कर रहे हैं जो साल्ट कंडीशन में नहीं होता। अब क्यों नहीं होता वो, या कोई भी प्लांट है साल्ट कंडीशन या साल्ट अफेक्टेड सॉइल में नहीं होता क्यों? तो उसके अब यहाँ पे आप आंसर सुनिए। ये कोई भी हमारा प्लांट है, माना यहाँ की जो सॉइल है ये बिल्कुल हेल्दी सॉइल है, जो कि एक न्यूट्रल सॉइल है, उसमें कोई साल्ट नहीं है, पीएच उसका बराबर है, अमाउंट सारा सब कुछ न्यूट्रल। दूसरी जो कंडीशन है, ये कंडीशन हो गई ए, दूसरी कंडीशन है बी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमने बीट को ग्रो किया, यहाँ की जो सॉइल है वो साल्ट अफेक्टेड सॉइल है, उसमें बहुत सारे साल्ट है। देखो यहाँ पे क्या होगा, जब साल्ट नहीं है तो सॉइल का जैसे वाटर पोटेंशियल हमने मान लिया -1 1, इसका वाटर पोटेंशियल है कितना, वाटर पोटेंशियल 1। रूट का वाटर पोटेंशियल हमने मेजर किया तो उसका वाटर पोटेंशियल आया -10। देन एक चीज है, वाटर का मूवमेंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। कहाँ होता है, जैसे ये वाटर पोटेंशियल है यहाँ ज्यादा है, इधर वाटर पोटेंशियल कम है, तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, उधर से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब इस केस की बात करें तो यहाँ पे जो -1 है वो -10 से ज्यादा है या फिर बड़ा है, तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो जाएगा, सोइल टू रूट, और इजीली प्लांट उसको अपटेक कर पाएगा इस केस में। दूसरी चीज है कि यहाँ पे क्या है कि साल्ट नहीं है, साल्ट नहीं होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे साल्ट से जो इंजरी हो रही थी प्लांट्स में वो भी नहीं होगी, तो इस केस में इजीली प्लांट ग्रो हो जाएगा। लेकिन जैसे सेलाइन कंडीशन की हम बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे देखो यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल -1 था, इन साल्ट की वजह से इसका जो सोइल का जो वाटर पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। अब वो बढ़ के कितना हो जाता है या कम हो के कितना हो जाता है, -20। जब -20 वाटर पोटेंशियल हो गया सोइल का, देन वाटर जो वाटर का मूवमेंट है वो तो बेसिकली फिक्स है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब सॉइल का जो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे भी वही फिक्स है, -10 है, लेकिन जो सॉइल का जो यहाँ पे देखो रूट का वाटर पोटेंशियल -10, सॉइल का वाटर पोटेंशियल -20, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये होगा कि जो वाटर का जो मूवमेंट यहाँ सॉइल टू रूट हो रहा था वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो -10 -20 से ज्यादा है या बड़ा है, तो वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, वाब इज रूट टू सॉइल। इस केस में एक्सोस्मोसिस हो जाएगा और रूट्स के अंदर जो वाटर था वो भी बाहर निकल जाएगा। तो पहली चीज तो है कि वाटर पोटेंशियल यहाँ पे गड़बड़ा जाता है सेलाइन सॉइल के अंदर, तो प्लांट वाटर को अपटेक नहीं कर पाता है। दूसरी चीज है कि साल्ट क्या करते हैं, डायरेक्टली इंजरी करते हैं सेल्स के ऊपर, तो उस इंजरी की वजह से भी सेल्स जो है, रूट्स की जो सेल्स है वो डिग्रेड हो जाती है और प्लांट की डेथ हो जाती है। ये दोनों ऐसे कारण है, एक तो वाटर पोटेंशियल का डिक्रीज होना, दूसरा साल्ट की वजह से जो इंजरी हो रही थी। ये इन दोनों कारणों की वजह से किसी भी सेलाइन सोइल के अंदर प्लांट को ग्रो नहीं किया जा सकता। अब ऐसा क्या है कि सुगर बीट इसके अंदर ग्रो हो रहा है, बार्ले इसके अंदर ग्रो हो रहा है, कॉटन इसके अंदर ग्रो हो रही है, भाई इनमें ऐसी क्या डिफेंस मैकेनिज्म है तो ये प्लांट यहाँ ग्रो हो रहे हैं और दूसरे प्लांट यहाँ ग्रो नहीं हो रहे हैं? तो अब उसको हम देखते हैं। देखो
ये बार्ले प्लांट, सॉरी बार्ले कह सकते हैं, कॉटन कह सकते हैं, या सुगर बीट। अगर सुगर बीट के बात हम यहाँ कर रहे हैं तो हम सुगर बीट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, लेकिन जो बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सभी का सेम है। तो एक्चुअली टू डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे काम करेगी, और उन डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से प्लांट सर्वाइव कर पाएगा सेलाइन कंडीशंस के अंदर, और विदाउट अफेक्टिंग ये अच्छे से अपनी ग्रोथ और अपनी पोटेंशियल यील्ड है वो प्रोड्यूस करेगा। माना ये सेलाइन सॉइल है, साल्ट अफेक्टेड सॉइल। तो साल्ट अफेक्टेड सॉइल में पहले हमने डिस्कस किया था वाटर पोटेंशियल कितना हो जाता है, -20। ठीक है, यहाँ पे रूट का जैसे मान लिया, वाटर पोटेंशियल कितना है, -10। बेसिकली फिक्स है, यहाँ पे भी वाटर सॉइल टू रूट में नहीं जाएगा, क्योंकि वाटर पोटेंशियल देखो सॉइल का बहुत कम है इसके कंपेरिजन में। और हमने ये कॉन्सेप्ट पहले समझ लिया था कि वाटर का मूवमेंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। बट इसके केस में क्या होगा, एक प्रोसेस होगी, उसको समझना क्या प्रोसेस होगी, कि ये प्लांट्स क्या करते हैं, साल्ट जैसे ही, क्योंकि साल्ट क्या है कि डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर ही जा रहा है, साल्ट भी उसके साथ अलोंग विद वाटर के साथ मूवमेंट करते हैं। तो ये जो प्लांट्स है इसकी जो सेल्स है ये क्या करेगी, साल्ट को अपने अंदर आने देती है। अब जैसे साल्ट आएंगे, जैसे हो सकता है सोडियम हो सकता है क्लोरीन हो सकता है सल्फेट हो, कोई सी वैसे साल्ट जो है वो यहाँ पे सेल्स के अंदर आ जाते हैं। और सेल्स के अंदर आने की वजह से क्या होता है, सेल्स के अंदर ये इंजरी, वैसे तो और प्लांट में तो इंजरी करते हैं, लेकिन इसमें एक डिफेंस मैकेनिज्म में डायरेक्ट इसी जो सेल होती है वो उसे वेक्यूल्स में ले लेती है। इन जो साल्ट्स जो अंदर आए थे उनको कहाँ ले लिया, वेक्यूल्स में। अब वेक्यूल्स में लेने से दो फायदे हुए हैं, देखो ये सेल है इसकी वेक्यूल्स है, इसमें ये साल्ट्स आ गए, एक दूसरी वेक्यूल्स में हो सकता है क्लोरिन आ गया, एक वेक्यूल्स में सल्फेट का साल्ट्स आ गया कोई भी, या नाइट्रेट आ गया। तो ये जो साल्ट जो वेक्यूल्स में आ गए इनसे दो चीजें होती है। देखो पहली चीज तो साल्ट की जो इंजरी हो रही थी प्लांट्स के अंदर या प्लांट की सेल के अंदर या रूट सेल के अंदर वो नहीं होगी। दूसरी चीज कि ये जो जैसे ही वेक्यूल्स के अंदर आए तो उसका जो वो रूट का जो वाटर पोटेंशियल था वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, देखो भाई -10 वाटर पोटेंशियल था, अब जैसे यहाँ पे वेक्यूल्स के अंदर जैसे साल्ट आए तो वहां का वाटर पोटेंशियल बढ़ के कितना हो जाएगा, ये सॉरी हम माइनस के अगर चलेंगे तो बढ़ के बोल सकते हैं, बट अगर इन जनरल बोलेंगे तो उसे घटना बोलेंगे, तो एक तरह से घट के कितना हो जाएगा, -40। तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल कितना हो गया, -40। वो किस वजह से हुआ, क्योंकि साल्ट आए और साल्ट की वजह से वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाए, ये हमने पहले कहा है। तो यहाँ का जब वाटर पोटेंशियल -40 हो गया, सोइल का वाटर पोटेंशियल -20 फिक्स है, तो कौन सा वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया, सोइल का। तो सेलाइन कंडीशंस के अंदर भी जब बार्ले की बात करें या कॉटन की बात करें, सुगर बीट प्लांट है वो इजीली वाटर अपटेक कर लेता है, क्योंकि वहां के जो सेल्स के रूट का जो रूट हेयर्स का जो वाटर पोटेंशियल है वो उस सॉइल के वाटर पोटेंशियल के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो वो इजीली वाटर अपटेक कर लेता है। दूसरी चीज है साल्ट से जो डायरेक्ट इंजरी हो रही थी, ये डायरेक्ट इंजरी हो रही थी वो इंजरी नहीं होती है। इन दो डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से ये प्लांट यहाँ पे सर्वाइव कर पाता है। एक और दूसरी मैकेनिज्म है बेसिकली होती बार्ले में, हो सकता है मे बी इसमें अगर किसी ने रिसर्च किया हो सकता है मे बी इसमें भी हो, साल्ट एक्सट्रूक्शन एक और मैकेनिज्म है। उसमें क्या करते हैं कि जो ऐसे साल्ट है जैसे साल्ट एक बार आ गए अंदर, वो मैकेनिज्म है साल्ट एक्सट्रूक्शन। इट मीन्स अगर जो साल्ट अंदर आ गए सेल्स के अंदर, तो हो सकता है कि मे बी कुछ साल्ट ऐसे हो जो वेक्यूल्स के अंदर नहीं जाए और डेफिनेटली वो सेल्स को दूसरे जो ऑर्गन से उनको इंजर्ट करे, तो उस केस में ऐसे साल्ट को सेल वापस बाहर निकाल देती है, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्ट एक्सट्रक्शन। ये मैकेनिज्म भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि साल्ट अफेक्टेड प्लांट्स, जो साल्ट अफेक्टेड एरियाज में जो प्लांट ग्रो किए जाते हैं और सक्सेसफुली जो ग्रो होते हैं उनमें ये मैकेनिज्म बेसिकली पाई जाती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि बार्ले सुगर बीट सॉरी साल्ट अफेक्टेड सॉइल में इजीली ग्रो हो जाता है। चलो आगे देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं, हम बात करते हैं सीड एंड सोइंग की। सीड एंड सोइंग, तो इसके लिए जो सीड रेट जो रिक्वायरमेंट है, सीड रेट वो 8 to 10 kg per hectare, 8 से 10 kg per hectare। इसके बाद जो सोइंग डेप्थ है वो है 2.5 सेंटीमीटर डेप्थ, डी सोइंग डेप्थ है वो है 2.5 सेंटीमीटर। अगर ऑप्टिमम सोइंग टाइम की बात करें तो अक्टूबर 15 टू नवंबर 15, इट मीन्स 15 अक्टूबर से हम 15 नवंबर तक इसकी हम इजीली सोइंग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे मैन्योर्स एंड
फर्टिलाइजर की, तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो उसमें इसकी जो आरडीएफ जो फिक्स कर रखा है शुगर बीट के लिए, रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर, आरडीएफ मीन्स रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर। तो आरडीएफ में नाइट्रोजन जो है उसका अमाउंट है 120 kg पर हेक्टेयर। फास्फोरस की हम बात करेंगे तो फास्फोरस है इसमें 80 kg, फास्फोरस मीन्स P2O5। हम सिंपल पी की बात नहीं करेंगे कि पी और P2O5 में भी डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें यहाँ पी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, P2O5। तो P2O5 की बात करेंगे तो वहां पे P2O5 कितना है, 80 kg। और पोटेशियम की बात करें तो वो कितना है, पोटेशियम भी सॉरी पेटो तो कितना, 100 kg, सॉरी 100 kg पर हेक्टेयर, यूनिट सभी की सेम है। तो ये इसकी आरडीएफ है शुगर बीट की। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट की हम बात करें तो इसके लिए शुगर बीट के लिए ऑलमोस्ट 7 to 10 इरिगेशन चाहिए, 7 से 10 इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है क्रॉप के लिए। उसमें से जब हम थिनिंग करेंगे तो 1 और 2 इरिगेशन गिवन जस्ट आफ्टर थिनिंग। जैसे हमने थिनिंग करी, आप एक ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 80,000 to 1 lakh। तो अब जब उस प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए हम जो ज़्यादा डेंस जो पॉपुलेशन थी उसको उखाड़ रहे हैं, उस प्रोसेस को हम थिनिंग बोल रहे हैं। और थिनिंग प्रोसेस करने के जस्ट बाद हमें 1 या 2 इरिगेशन देनी है फील्ड में, मतलब 1 और 2 इरिगेशन शुड बी गिवन जस्ट आफ्टर थिनिंग। नाउ देन सब्सिक्वेंट जो इरिगेशन है, देन सब्सिक्वेंट इरिगेशन शुड बी गिवन एट 25 to 30 days इंटरवल्स। इट मीन्स रिमेनिंग सब्सिक्वेंट इरिगेशन जो है वो 25 to 30 days इंटरवल्स पे हमें देनी है। इसके बाद हम बात कर देते हैं वीड मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें कोई बेसिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीड्स है नहीं, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं वीड मैनेजमेंट के जो टॉपिक है उसे। और फिर भी अगर कुछ वीड्स होंगे तो वो उसमें PDF में है तो आप उसको देख सकते हो, तो इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिजीज़ की, डिजीज़ या फिर इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स भी इसमें कोई इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट नहीं है, लेकिन हम बात कर लेंगे। तो हम बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। तो देखो इसमें टू डिजीज होती है, फर्स्ट वन इज स्क्लेरोसिनियम, रॉट, स्क्लेरोसिनियम रूट रॉट, सॉरी रूट रॉट। सेकेंड जो डिजीज है वो कौन सी है, सेकेंड डिजीज है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, सर्को स्पोरा लीफ स्पॉट। ये दो इम्पोर्टेंट डिजीज है इसका, यहाँ पे इसमें इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये एक इसके लिए बहुत हार्मफुल है और इसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी के साथ साथ इसकी जो हिट है दोनों को डिटोरेट कर रही है। तो हम इसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, ये तो मैटर मिल जाएगा। इसके बाद इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो इंसेक्ट पेस्ट के अंदर भी हम इसमें एक इंसेक्ट है वो इसमें बेसिकली ज़्यादा हार्मफुल है, एक तो है बिहार हेरी कैटरपिलर, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज ग्रासी कटवर्म, ग्रासी कटवर्म, ग्रासी कटवर्म। ये दो इंसेक्ट्स जो है ये इनका माइनर इंपॉर्टेंस है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, कुछ कुछ स्टेज में या कुछ कुछ जगहों पर ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो सिर्फ इसके नाम नेम तुम्हें याद रखना है, ज़्यादा डिटेल्स में चाहिए तो वो तुम्हें PDF मिल जाएगी या फिर आप एंटोमोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हार्वेस्टिंग और ईल्ड, हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड की बात करेंगे। हार्वेस्टिंग
तो ऑप्टिमम टाइम फॉर हार्वेस्टिंग इज कौन सा है, मार्च टू मई, मार्च टू मई के अंदर ये ऑप्टिमम टाइम है, इस टाइम पे हम क्रॉप हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यील्ड की। यदि प्रॉपर हमारा मैनेजमेंट है, बेटर मैनेजमेंट है, अच्छे से सारा सब कुछ अच्छे से मैनेज किया है, देन इसकी जो यील्ड है वो हमें मिल जाएगी 52 70 क्विंटल, 52 70, सॉरी टन, क्विंटल नहीं है, टन पर हेक्टेयर, 50 से 70 टन पर हेक्टेयर। इट मीन्स 1 टन इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg और 10 क्विंटल। तो ये था शुगर बीट, और नेक्स्ट क्रॉप जो है हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।